हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे 22 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जी स्टॉक में आपने मुझे पूछा है, मैं यहाँ पर बात करूँगा। दोस्तों, हम लोग आने वाले वीक कैसे रहेगा ये देखने के पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरा आप ये नया लुक देख रहे हो, तो बिकॉज ऑफ जैसे कि सबको मालूम है कि जो कि 10 दिन पहले मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, तो वहाँ पे बाय ट्रेडिशन मुझे बाल कटाने पड़े। तो ये मेरे नया लुक है, कुछ दिन के बाद फिर से पुराने लुक में आ जाऊँगा। और ये लुक कैसे लगा आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग आने वाले वीक में मार्केट कैसे था, कैसे होगा। इसके पहले देखेंगे कि लास्ट वीक में मार्केट कैसे था। जैसे कि लास्ट वीक में अगर हम लोग देखेंगे वीक ऑन वीक, निफ्टी 338 पॉइंट डाउन था और बैंक निफ्टी 757। तो कंपेरिजन में हम देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव है। और जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखा है कि निफ्टी ने एक नेगेटिव ब्रेकआउट दिया है, उसके बारे में मैंने पहले आपसे कहा भी था। मैं चार्ट के ऊपर आपको समझाऊंगा और आगे क्या हो सकता है। हम लोग देखेंगे कि आने वाले वीक में क्या रेंज हो सकती है। तो आने वाले में जो रेंज है मैंने ऑप्शन चेन के ऊपर देखा, वो है रेजिस्टेंस 18,000 और सपोर्ट है 17,500। लेकिन ये 17,500 थोड़ा क्रूशियल हो सकता है, शायद ब्रेक भी हो सकता है। हम लोग चार्ट के ऊपर उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीक में कौन से न्यूज़ हो सकते हैं, इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक। तो इंटरनेशनल में जैसे कि यूएस का 24 को जीडीपी का जो है कि डेटा आने वाला है, और फ्राइडे को यूएस मार्केट क्लोज होगा थैंक्स गिविंग की वजह से। तो इसके ऊपर भी हमको नज़र रखनी है। नेक्स्ट जैसे कि अपना क्या ये हो सकता है, तो अपना ऐसा कुछ बड़ा इवेंट है नहीं, लेकिन ए वीक रहेगा, ए मंथली एक्सपायरी का रहेगा। तो यहाँ पे हमको एक मंथली एक्सपायरी का भी इवेंट है, तो मार्केट और भी वोलेटाइल हो सकता है। दोस्तों, तो हम लोग अभी चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट कैसे रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे निफ्टी से। हम लोग निफ्टी जो कि वीकली व्यू में देख रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम। तो जैसे कि फर्स्ट हम देखेंगे मंथली में, तो मंथली में अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे एक कैंडल सेलिंग प्रेशर बना था और एक दूसरा कैंडल बिल्कुल एक डोजी टाइप बन रहा है, यानी कि ये बताता है कैंडल की बुल या बेयर दोनों का भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। तो जैसे पहले मोस्टली बुलिश कैंडल बन रहा था, एक जो है कि सेलिंग प्रेशर कैंडल बना, फिर से एक कैंडल बन रहा है, ये थोड़ा सा एक निगेटिव है। हम लोग वीकली में देखेंगे, तो अगर वीकली में हम लोग एनालिसिस करेंगे तो लास्ट वीक का जो कैंडल का लो था, इसके थोड़ा नीचे ए वीक का कैंडल क्लोज हुआ है, तो एक थोड़ा नेगेटिव है। अगर वीकली में अगर आप देखोगे तो ये जो है कि सिग्निफिकेंट कैंडल है, उसका जो लो है 17,600 एक क्रूशियल लेवल हो सकता है। अगर ए ब्रेक होता है वीकली में तो एक मार्केट अच्छा खासा नेगेटिव जा सकता है। जैसा कि नेक्स्ट लेवल हो सकता है 17,200 और उसके बाद जो लेवल आ सकता है 16,700। हम लोग डेली में देखेंगे, तो डेली में देखिए पिक्चर यहाँ पे क्लियर है। और जैसे कि मैंने कहा था एक ए उल्टा फ्लैग बन रहा है, इन्वर्टेड फ्लैग। तो अगर ए ब्रेक होता है तो ये फ्लैग टॉप से लेके यहाँ तक जितना डिफरेंस है उतना ही वो नीचे जाएगा। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, बट अगर हम चैनल देखेंगे तो यहाँ पे एक चैनल ब्रेकआउट हुआ है, चैनल के नीचे क्लोज दिया है, ये बहुत नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव हो तो यानी कि मार्केट नीचे जाएगा। अगर ये ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकडाउन दिया है नीचे, लेकिन अगर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है तो ये ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा। यानी कि जैसे कि लास्ट दिन का जो कैंडल था 17,950 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज देता है तो ये नेगेटिविटी था, ये खत्म हो सकता है। लेकिन अगर नहीं होता है और यहाँ से ये मार्केट फ्राइडे का जो लो था 17,688 उसके नीचे जाता है, तो और एक नेगेटिविटी आ सकता है, जो कि लेवल मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट लगाता हूँ ये लेवल है। और पहले जो लो था, पहले वाला ये लो था, उसके नीचे मार्केट क्लोज हुआ है, ये भी नेगेटिव है। तो मार्केट डेली में यहाँ पे क्लियर कट नेगेटिव लग रहा है, ऊपर जाएगा मैंने बताया। जैसे कि फ्राइडे के हाई के ऊपर जाता है तो नेगेटिविटी यहाँ पे थोड़ा कम हो सकता है, बट ऐसे लग नहीं रहा क्योंकि फ्राइडे को मार्केट बहुत ही यहाँ पे एक नेगेटिव क्लोज दिया है। अभी हम लोग इम्पोर्टेंस लेवल देखेंगे। जैसे कि फ्राइडे का अगर लो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट 17,500 के आसपास ये यहाँ पे जा सकता है। ऊपर जाने के लिए फ्राइडे का हाई अगर ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन होता है 17,953 ये लेवल अगर ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कवर होने का एक चांसेस है। हम लोग देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर कि
हमको मंडे को कौन से लेवल रहेगा जहाँ पे आपको ट्रेड करना है। तो 5 मिनट का चार्ट पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक लेवल 7995 ये जो लेवल था, यहाँ पे बहुत बार मार्केट ऊपर और नीचे हुआ है, तो हम लोग सेल करेंगे 7688 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बाइंग के लिए 875 ये जो लेवल था, जो मार्केट ब्रेक करके नीचे आया, इम्पोर्टेंस लेवल था, अगर उसके ऊपर जाता है तो ये हम लोग बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी, यहाँ पे बैंक निफ्टी ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूशन कर रहा है। एक लेवल मैंने दिया था 37743, यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंट कैंडल है, उसके लोग से ही बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 37137 ये लेवल इस जोन के आसपास ये आ सकता है। इसको पॉजिटिव होने के लिए जो नेक्स्ट लेवल होगा बैंक निफ्टी, उसको भी अगर फ्राइडे का हाई ब्रेक करता है 38221, अगर ये ब्रेक करता है और ऊपर सस्टेन होता है तो थोड़ा एक पॉजिटिविटी इसमें आ सकता है। अगर हम लोग ऐसे भी देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ हो सकता है, जो कि हम लोग बैंक निफ्टी को यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक होता है और उसके ऊपर अगर 2 दिन पॉजिटिव क्लोजअप देगा बैंक निफ्टी, तो भी हम लोग उसको पॉजिटिव समझ सकते हैं। तो ये लाइन में कंटिन्यू करता हूँ, जब भी ब्रेक होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी के दोनों का भी ट्रेंड अभी तक नेगेटिव यहाँ पे मुझे लग रहा है। और हम लोग इंट्राडे में देखेंगे कि बैंक निफ्टी में आप कहाँ पे बाय कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी में इंट्राडे में हमको बाय करने के लिए लेवल होगा 38221 और सेलिंग के लिए 37743, ये जो लो का लेवल है वही यहाँ पे हो सकता है। दोस्तों आपने जिस स्टॉक के बारे में पूछा था, मैं अभी यहाँ पे बात करता हूँ। काशीनाथ जी उन्होंने मुझे इंडोरेंस के बारे में पूछा था, इंडोरेंस का स्टॉक देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर इसका ट्रेंड डाउन अप ट्रेंड कंटिन्यू है और यहाँ पे ए इन बिटवीन है, थोड़ा ये ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेता है या फिर नीचे ये जो सपोर्ट है 1646, यहाँ पे आके अगर कुछ ग्रीन कैंडल बना तो आप बाय कर सकते हो, अभी इसको आप अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि जील, यहाँ पे जी में देखिए कि यहाँ पे भी एक जो है कि कंसोलिडेशन हो रहा है, नीचे सपोर्ट है 293 का, जहाँ पे ट्रेंड लाइन भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे आके अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है तभी आप बाइंग के लिए सोचिए, फिलहाल आप इसको अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है सन फार्मा, प्रशांत जी करके उन्होंने मुझे पूछा है, तो सन फार्मा में देखिए कि एक डाउनवर्ड चैनल चल रहा है और ये थोड़ा नीचे भी आ सकता है। सन फार्मा का सपोर्ट 762 है, इन्होंने मुझे सपोर्ट पूछा था, तो ये 762 सपोर्ट है, यहाँ पे आकर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता तो ही बाय कीजिए, या इन बिटवीन आपको यहाँ पे फंस सकते हैं, या फिर ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन चल रहा है वो ब्रेकआउट होता है तो ही इसमें आप बाय कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला, दीपक गालाजी करके उन्होंने मुझे पूछा है, तो सिप्ला देखिए, सिप्ला एक सपोर्ट लेवल के लगभग करीब है, लेकिन यहाँ पे अभी तक उसने पॉजिटिविटी दिखाया नहीं। 888 के आसपास आके अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो 872 का टॉपलास लगा के आप इसमें बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है स्टॉक भारतीय एयरटेल, मुझे यहाँ पे संतोष जी और संजय जी दोनों ने पूछा है। यहाँ पे भारतीय एयरटेल में आप देखोगे तो एक डबल टॉप बना है, एक नेगेटिव साइन है, और यहाँ पे नीचे जो उसका सपोर्ट है 667 अगर ब्रेक करता है तो ज़्यादा नेगेटिविटी आ सकती है। फिलहाल करंट पोजीशन में आप इसको अवॉइड कर सकते हो, या अगर आपको ब्रेकआउट भी करना है तो 747 अगर ब्रेक होता है तभी आप इसको बाइंग के लिए देख सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है मैरिको, राजेश जी करके उन्होंने मुझे पूछा है, तो मैरिको में देखेंगे तो अगर हम लोग ये देखेंगे मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट लिया है और जैसे कि एक हेड एंड शोल्डर टाइप बन रहा है, बट ये सपोर्ट लेवल भी है, तो ये सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे 538 के यहाँ पे आपका टॉपलेस लगा के आप बाय कर सकते हो, जब भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल आएगा, अदरवाइज 538 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो ये बहुत नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आयुजी करके मुझे आयुजी है उन्होंने पूछा है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री में अगर आप स्टॉक देखोगे तो ये स्टॉक है यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ये वर्टिकली गया 90 डिग्री में, तो ये थोड़ा रिट्रेस होगा और रिट्रेस का जो लेवल रहेगा उसका 211, यहाँ पे आके अगर एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो ये आप बाय कीजिए, फिलहाल इसको अवॉइड कर सकती है, थोड़ा और नीचे रिट्रेस हो सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी, तालुकेदार जी करके उन्होंने मुझे पूछा है, अगर आप डॉक्टर रेड्डी देखोगे तो ये यहाँ पे इसका ये जो अप ट्रेंड है ये यहाँ पे कंटिन्यू है, बीच में गिरा था फिर से कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, बट ये जो सपोर्ट लाइन है इसे बार बार टेस्ट किया है, तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास आके यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता हो तो बाय कीजिए, ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर 2 रेड कैंडल बनाया तो और ये निगेटिव हो सकता है।
नहीं जो स्टॉक है अमर राजा बैटरी, सुनील जी करके उनने मुझे पूछा है। तो अमर राजा में आप देखिए कि अगर मैं आपको सपोर्ट दिखाऊँ, इसने एक सपोर्ट अपना ब्रेक किया है और सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दिया है, ये बहुत नेगेटिव है। तो ये 555 के आसपास भी आ सकता है, यहाँ पे आने के बाद आप बाइंग का कोशिश कीजिए। फिलहाल आप इसको फ्राइडे का लो के नीचे सेल करके शॉर्ट में पैसा कमा सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है कोल इंडिया, मुझे पूछा है PUG करके उन्होंने, तो कोल इंडिया में देखिए बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल पे आया है, बट अभी ये नेगेटिव है, बहुत दिन रेड कैंडल बनाया। अगर यही लेवल पे अगर एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, आप इसको बाय कर सकते हो 152 का टॉप लॉस लगा के, लेकिन वेट करना एक कैंडल के लिए। मिस्टर जॉर्ज जी ने मुझे पूछा है इंटरसॉफ्ट के बारे में। इंटरसॉफ्ट देखिए ये भी एक 90 डिग्री में गया हुआ स्टॉक है और यहाँ पे फ्राइडे को बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल बना, ये थोड़ा और रिट्रेस होगा और अपना पहला ब्रेकआउट लेवल है 156 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद एक पॉजिटिव कैंडल बना है तो बाय कीजिए, अगर ये ब्रेक करता है तो और नीचे भी आ सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है अरो फार्मा, अरो फार्मा के बारे में मुझे राजू जी करके उन्होंने पूछा है। तो अब अरो फार्मा का अगर आप स्टॉक देखोगे तो एक अच्छा खासा सपोर्ट था, उसने ब्रेक किया है और वो ब्रेक करने के बाद वो शायद 545 के आसपास आ सकता है, ये लेवल पे आप यहाँ पे बाइंग के लिए सोच सकते हो। अभी फ्राइडे के लो के नीचे अगर जाता है तो आप इसमें शॉर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है स्कॉट के बारे में मुझे गणेश जी करके उनने पूछा है। तो यहाँ पे स्कॉट को स्टॉक देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई चल रहा है अगर पीछे देखो, और जो फ्राइडे को कैंडल बनाया ये बहुत ही एबनॉर्मल है, 10% पॉजिटिव गया, इमिडिएटली यहाँ पे आप बाइंग नहीं ले सकते। तो यहाँ पे अगर 1826 के ऊपर जाके सस्टेन होता है तो ये आप बाय लीजिए, अगर इसके नीचे ओपन होता है और यहाँ पे कहीं भी ट्रेड करता है तो आप इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा स्पाइक होने के बाद ये थोड़ा रिट्रेस हो सकता है। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि नेक्स्ट वीक ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए, इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में, क्लासरूम या ऑनलाइन, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।